This program is brought to you in cancer repair for truly damage-free, beautiful hair. मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई. I can't believe ये इतने damaged हैं. Dove Intense Repair with Fiber Acids. पहले ही wash में damage कम करे up to 99%. Dove Intense Repair for truly damage-free, beautiful hair. मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई. I can't believe ये इतने damaged हैं. Dove Intense Repair with Fiber Acids. पहले ही wash में damage कम करे up to 99%. Dove Intense Repair for truly damage-free, beautiful hair. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह नौर. सुबह नौर की आज ये खूबसूरती जो आपको नजर आ रही है इन फूलों की सूरत में, आप जानते हैं आज पूरी दुनिया में खवातीन का दिन मनाया जा रहा है जिसे हम इंटरनेशनल वुमेन डे कहते हैं. उसमें उनकी कामयाबियां, उनकी अच्छाइयां, उनका जिंदगी में आगे आना, स्ट्रगल करना, ये सब कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं. सुबह की नौ की टीम तो आज आपके साथ है ही, हमारी सेलिब्रेशन आपके साथ है ही, मगर एक और कोई है जिस जो हमारे साथ ऑन बोर्ड है आज के शो के लिए, उनके बारे में मैं आपको बता दूं. और आज हमारे साथ है डव, जो अपना मोटो लेकर सामने आए हैं, जिनकी ये टैग लाइन है डव सेलिब्रेशन ऑफ रियल वुमेन, जिसमें उनका ये मानना है या जो तमाम एक साइकोलॉजी है हमारे यहाँ कि जब हम रियल वुमेन की बात करते हैं तो वो उसकी अपेरेंट ब्यूटी नहीं होती, जिस तरह वो खूबसूरत नजर आती है, सिर्फ ये एक ब्यूटी नहीं होती जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, गो के वो भी एक अहम हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर की ब्यूटी, उनकी वो तमाम स्ट्रगल, उनका वो उभर के जमाने में सामने आना, अपना मकाम बनाना, अपना नाम पैदा करना, अपने फैमिली को लेकर चलना, तमाम तर चैलेंजेस जो उनकी जिंदगी में आते हैं उन्हें फेस करना, आज उसकी सेलिब्रेशन है, यानी इंटरनल ब्यूटी की सेलिब्रेशन है. इस तमाम सफर में, इस चैलेंज में, इस सक्सेस में, या जो एक मोटिवेशन औरत को होती है और उसके जरिए वो अपना तमाम तर सफर पूरा करती है, उसकी सेलिब्रेशन तो आज है ही, मगर साथ में उसे ये मोटिवेशन मिलती कैसे है? क्या उसके घर वाले ऐसे होते हैं? क्या उसके दोस्त ऐसे होते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें और आपको मोटिवेटेड रखती हैं? हमारे मुआशरे में एक बड़ा कॉन्सेप्ट अगर हम सोचें, या जो जो ज्यादातर लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं वुमेन्स डे पे, वो रुख भी दिखाते हैं जहां औरतों पे बहुत सारे मजालिम होते हैं, और बिल्कुल होते हैं. हमारी सोसाइटी में या दुनिया भर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां औरतों पे जुल्म ना होता हो, लेकिन ऐसी भी खवातीन हैं जो इन मजालिम के बावजूद, इस कॉम्पिटिशन के बावजूद निकल के उभर के सामने आती हैं, और न सिर्फ सामने आती हैं बल्कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए, अपनी वैल्यूज को सामने रखते हुए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और आज तो मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ अब एक वो हिस्सा भी है, उसे भी नहीं भूलना चाहिए, जहां खवातीन को स्पेस भी दिया जाता है, टाइम भी उनके अपने लिए दिया जाता है, उनके चैलेंज को वो जाहिर करें, उसके लिए भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन फिर जिम्मेदारी उन पर आती है कि वो अपनी डिग्निटी के साथ, अपनी रिस्पेक्ट के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ, अपने आप के साथ कितनी ऑनेस्टी से और सिंसेरिटी से आगे बढ़ती हैं. और आज के दिन मैं एक और चीज भी कहना चाहती हूँ कि ओवरऑल जब हम चैनल्स देखते हैं, आज के दिन ज्यादातर बुराई की जा रही होती है कि जी औरतों पे ये जुल्म हुआ, औरतों पे वो जुल्म हुआ, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, या उनके साथ और डोमेस्टिक वायलेंस होती है, हस्बैंड बुरा सलूक करते हैं, माँ बाप डिफ्रेंसिएशन करते हैं, या बेटे बेटी में फर्क करते हैं. ये तमाम चीजें, ये तमाम बहस अपनी जगह, ये होता है, कुछ इंटीरियर्स में होता है, दुनिया भर में भी हो सकता है, एलीट क्लास में भी होता है, ये किसी आप एक खानदान से, किसी एक जगह से मखसूस नहीं कर सकते. मगर उसके साथ साथ जब हम औरतों की सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो वो उस औरत की जो सक्सेसफुल है उसकी अकेले सेलिब्रेशन कभी भी नहीं होती. उसकी सेलिब्रेशन होती है, जब हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो हम उन तमाम लोगों की सेलिब्रेशन की बात करते हैं जो उसकी सक्सेस के हिस्सेदार होते हैं. उसमें उनकी फैमिली भी है, उसमें तमाम वो मेल मेंबर्स भी हैं. आज मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, क्योंकि जब हम औरतों के हवाले से कोई भी दिन मना रहे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम मर्दों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम बहुत सारे ऐसे मर्दों को जो अपनी बेगमात को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, या उनको औरत होने की बिना पर पीछे धकेल देते हैं, उनको हम जरूर आज के प्रोग्राम में कहना चाहेंगे कि वो ऐसा ना करें. लेकिन साथ में वो तमाम हजरात भी हैं जो औरतों को
आगे लेकर आते हैं, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को सपोर्ट करते हैं। अगर आप और हम या हम जैसे इतने लोग, मैं आपको हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर की एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर बहुत सी खवातीन है, अगर हम सब सुबह में यहाँ पर आके प्रोग्राम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे मेल मेंबर्स जो हमारी फैमिलीज में हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे वो किसी के वालिद साहब हों, किसी के हस्बैंड हों, बेटे हों, बड़े हो जाते हैं बेटे तो जाहिर है उनका भी एक रोल होता है, भाई हों, और उसके साथ साथ ये तमाम आपकी फैमिली मेंबर्स अलग, मगर उसके साथ साथ आपके जितने मेल कॉलीग्स हैं, जितने लोग आपके साथ यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, आपकी टीम का हिस्सा होते हैं, आपके ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, जब वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आज की सेलिब्रेशन उनके लिए भी है, उन तमाम लोगों के लिए है जो आपकी जिंदगी में पार्ट प्ले करते हैं। और फिर हम दोबारा इस बात पे आ जाते हैं, डब सेलिब्रेशन ऑफ रियल वेमेन। आज जितनी भी रियल वेमेन है, वो जरूरी नहीं है कि वो मीडिया पर्सनालिटीज हों, वो जरूरी नहीं है कि उनका एक बहुत बड़ा नाम किसी खास चीज के हवाले से हो, वो तमाम वो खूबसूरत खवातीन हैं जो मेरे सामने खड़ी हैं, अभी कुछ देर में हम उनको बुलाएंगे, जो इतनी नेचुरल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो हमसे, मुझसे और बहुत सारी और खवातीन से बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि वो बहुत नेचुरल हैं और उन्होंने शायद वो वसाइल या वो अपॉर्चुनिटीज जो हमारी आपकी या कुछ और ज्यादा प्रिविलेज फैमिलीज की खवातीन को मिलते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के ना होते हुए भी वो कितना आगे तक आई हैं, अपने आप को मनवाया है। और साथ साथ वो तमाम खवातीन जिनको आप एज अ डिजाइनर देखते हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर देखते हैं या मुख्तलिफ अहम फील्ड में नुमाया नाम देखते हैं, वो भी आज हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे इस सेलिब्रेशन में। आगाज बाकायदा करते हैं, आपको ये नगमा सुनवाते हैं, उसके बाद मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे। बात है, और मेहमानों से मुलाकात से पहले कुछ लाइंस हैं जो मैं, एक पोएम आप समझ लीजिए खवातीन के लिए, 8 मार्च के हवाले से ये किताब लिखी गई और इसमें चंद ऐसे अल्फाज हैं जिनसे मैं आगाज करना चाहूंगी, औरत के बारे में लिखे गए हैं। इसी वजूद से खुशबू, इसी वजूद से रंग, इसी के प्यार से कायम तमाम रिश्ते हैं, इसी से रौनक है दुनिया, इसी से नूर नजर, तूने ईंधन बना दिया इसको। हमारे साथ सबसे पहली मेहमान हमारी मौजूद है, उनको हम वेलकम कहते हैं, अमीना सैयद साहिबा, हेड ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। आज जरा डिफरेंट मौजू पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा। वैसे तो हम किताबों के बारे में बड़ी डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन आज पर्सनली आप MD, ओहो माशाल्लाह, कहाँ कहाँ से ये सफर गुजरा, कैसे शुरुआत हुई, ये तमाम चीजें आज आपने हमसे शेयर करनी है, ठीक है? जी जी बिल्कुल। और उसमें जितनी भी इंस्पिरेशनल बातें होती है ना, अक्सर मैं देखती हूँ लोग इंटरव्यूज के दौरान बहुत सारी बातों पे पर्दा डाल देते हैं कि छोड़ो ये क्या, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने खुल के सारी बातें बतानी है ताकि किसी को, अगर वो उसी जगह पर है, वही टाइम है उसका, या वही प्रॉब्लम है, या वही चैलेंजेस है, तो वो अपने आप को रिलेट करके उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सके। आपकी तरफ मैं वापस आती हूँ। अच्छा। हमारे साथ यहाँ पर बड़ी ब्यूटीफुल खवातीन मौजूद हैं, और सबसे पहले हमारे साथ हैं मिसेस शहनाज आरिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? मैंने सुना कि बड़ी बहादुर हैं आप। बहुत हूँ। हाँ हैं, बहुत बहादुर हैं, हमेशा से हैं या शादी के बाद बहादुर हुई? शादी के बाद ही बंदा बहादुर होता है। अच्छा, क्यों?
वो ज्यादा दुख मिल जाते हैं तो ज्यादा बहादुर हो जाता है, ऐसा है? नहीं नहीं, ज्यादा सुख मिल जाता है, ज्यादा सुख मिल जाता है, इसके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, शहनाज हमारे साथ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि शहनाज बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा काम करती हैं। और शहनाज आप क्या करती हैं, जरा आप अपने अल्फाज में बयान करें। मैं पिक एंड ड्रॉप करती हूँ। पिक एंड ड्रॉप करती हैं, वर्किंग वे मैंने पिक एंड ड्रॉप करती हैं। कितने अर्से से कर रही हैं? काफी अर्से से कर रही हैं। काफी अर्से से कर रही हैं। छोटे बच्चों को स्कूल वगैरह लेकर जाती हैं और छोड़ती हैं वापस ना? जी। अच्छा, और अपने भी बच्चे हैं माशाल्लाह? जी, मेरा एक ही बेटा है। एक ही बेटा माशाल्लाह, 10 साल का है। 10 साल का है, ओके। चलो वापस आपकी फैमिली पे भी आएंगे। ये काम के बारे में आपने कैसे सोचा, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ ये हाल है कि अगर कोई गाड़ी चला रही हो खातून तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, इसको गाड़ी नहीं चलानी आती, ये देखो इसने रॉन्ग कट मार दिया, ये देखो ये कर दिया, ये देखो वो कर दिया। तो आप तो बाकायदा बच्चों को पिक करना, ड्रॉप करना, और यू नो फिर ये सारा हैसल जो होता है जो खवातीन वैसे देखती हैं, इससे भी गुजरना, तो जरा आज इसके बारे में बताना, ठीक है? और अगर कभी किसी के साथ यू नो आपने किसी को राह रास्त पे लेकर आई हो रोड पे, तो वो भी बता देना। लाई हो वैसे? है वैसे तो रोज होती है मुँह मारी। हाँ, अक्सर रोंग गाड़ियां जो है ना, हाँ, ले आते बिना वजह ट्रैफिक जाम। क्या बोलती हैं? जैसे मर्द तो बोल देते हैं ना, भाई ये हटाओ यहाँ से, ये करो वो करो, उनके लिए मैं बड़ा मर्दों को बोलती हूँ कि चलाना आती तो है नहीं, बिना वजह जो है। अच्छा, ओके। अच्छा जी, हमारे साथ हमारी एक और मेहमान शमरोज चन्ना साहिबा मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हैं, बड़ा दिलचस्प था इनका भी काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमने इनको खिताब दे दिया है कि ये जानवरों की डॉक्टर हैं। जी हैं? जी जी, हम सब ये मानते हैं। हाँ, हाँ। कि आप जानवरों की डॉक्टर हैं, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया है और इनको इतनी समझ आ गई है गाय भैंसों की जो इनके पास मौजूद है, जिनका ये बिजनेस करती है, के अब ये 7 गाँव में जाती हैं और वहाँ पर भी उनके जानवरों को भी ट्रीट करती हैं, है ना? हाँ। और आपके पास पर्सनली कितनी गाय भैंस हैं? हमारे असांजे गोठ में जेको आसो मायो टन्ने गोठन के कवर कंदी आया। अच्छा जी, उते इलाज कंदी आया, ड्रेसिंग वगैरह, टीका, थोड़ो घणो कुछ बीमारी थींदी आहे उन्हनि खे बि दवा। अच्छा, बीमारी वगैरह सबको सही करती हैं ये जी। और जितने भी गोट हैं, गांव हैं, वहाँ खुद से जाती हैं, इलाज करती हैं जानवरों का। और जी, कितने अर्से से आप ये काम कर रही हैं? 1 साल थी हुआ। 1 साल हो गया जी। जी अच्छा ठीक है, 1 साल हो गया इनको ये काम करते हुए। और घर में कौन कौन है? घर में मुझे 7 12 हैं। 7 बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। माशाल्लाह। सस्ता? हाँ, शोहरा सस्ता। और उनको कोई मसला तो नहीं है काम करने से? ना। 1 साल पहले आपने सोचा? अच्छा चलो, अब आपकी कहानी पे आएंगे। मैं तो जिससे बात करने लगती हूँ मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मैं वहीं से शुरू हो जाती हूँ, लेकिन हमने सबकी बारी बारी कहानी सुनी है। लास्ट बट नॉट ऑल द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद है परवीन सैयद साहिबा, जो कि जर्नलिस्ट थी, लेकिन अब आप सब इनको बखूबी जानते हैं खाना घर के हवाले से। परवीन सैयद साहिबा सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह आपका काम यहाँ, आपका नाम और खाना घर, इसके बारे में अब बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता ना होगा, वरना तो माशाल्लाह सबको पता है। आपसे शुरुआत, आपकी तरफ मैं वापस आती हूँ। अमीना सैयद साहिबा जी, जी कैसे ये तमाम चीजें शुरू हुई? सोचा कि मैं प्रोफेशनली काम करूँ, फिर शादी भी, बच्चे भी एंड ऑल दैट? बस ये तो बहुत एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा सवाल है, लेकिन तो आपने जल्दी से छोटा छोटा करके बता देना है। अच्छा अच्छा, बस वो मैं लाहौर में रहती थी शादी के बाद। अच्छा। और बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, और एक दफा मैं गई एक किताबों की नुमाइश में। अच्छा। और वहाँ जाके मुझे इतना मजा आया, इतनी मैं खुश हुई, इतने मैंने घंटों वहाँ गुजारे कि मैंने सोचा कि ये काम मुझे भी करना है। अच्छा। उस वक्त मैं लाहौर में लाहौर अमेरिकन स्कूल में पढ़ा रही थी। अच्छा। तो फिर मैंने मालूमात करके फिर मैंने इस जॉब के लिए मैंने कोशिश की और मुझे फिर ये जॉब मिल गया किताबों के सिलसिले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में। अच्छा। और वहां से फिर मैंने समझे शुरुआत की। तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ? आपकी फैमिली ऑलरेडी सपोर्टिव थी, क्योंकि आप ऑलरेडी काम भी कर रही थी? हाँ, मैं वैसे भी काम कर रही थी, और यकीनन बस ये था कि बच्चे ज़रा छोटे थे तो उसका जरा सा थोड़ा बहुत चैलेंज था, लेकिन माशाल्लाह पूरा समझिए खानदान से पूरी सपोर्ट थी। पूरी सपोर्ट थी। और एक ट्रेडिशन भी था, मतलब ये बहुत पहले से
खातिन हमारे फैमिली में हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी आपकी तरफ शहनाज साहिबा, आपने यही काम का क्यों सोचा? वैसे बड़ा अच्छा काम है, इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें जो चैलेंजेस हैं वो बाद में मैं पूछती हूँ, लेकिन कैसे सोचा, क्या ख्याल आया? गाड़ी बहुत अच्छी चलाती थी? गाड़ी तो मुझे सफर ने सिखाई। हाँ, हिम्मत उसी ने दी है। हाँ, वो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत होती है, बिल्कुल। पर मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ। आए हाय, आरिफ साहब देख रहे हैं शो लग रहा मुझे। अच्छा ये बताइए, शुरुआत मतलब चले गाड़ी उन्होंने सिखाई, आप लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि ये काम करना चाहिए, ये ठीक है? मुझे यही काम अच्छा लगा सब। अच्छा, क्योंकि पढ़ी लिखी तो हूँ। अच्छा, ठीक है, तो ये काम मुझे सबसे बेहतर यही लगा। तो कोई कभी कोई डर नहीं लगा था, कॉन्फिडेंस रहा कि जी किसी और के बच्चे भी उठाने हैं, जिम्मेदारी भी होगी, फिर सड़क पे आपको वैसे हजार किस्म की चीजें होती हैं जो फेस करनी होती हैं, फिर स्कूल छोड़ना लेना ये सब कुछ, फिर अपना भी घर बच्चा? वही कहती हूँ, जब घर से जब बाहर निकलती हूँ ना मैं, हाँ, तो समझो मर्द ही होती हूँ। शनाज मेरी जो बातें होती है ना, अगला चौंक जाता है कि मर्दों जैसी बातें क्यों करती हो। किस अगले को चौंकाया जिसने कहा मर्दों जैसी बातें क्यों करती हो? बस काफी बोल देते हैं। हाँ जी, पर इस फील्ड में इसलिए आई हूँ कि बस समझो, पहले तो शौक था शुरू। अच्छा, शुरू में शौक, अब जरूरत है, वरना मुझे ये काम में तो घर में ही बैठ जाती जैसे दूसरी औरतें बैठी हुई हैं। पर मेरी ये मजबूरी है कि मेरा जो शोहर है वो बैंक में काम करता था। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि वो जो काम देते थे बैंक वाले, जैसे कि ब्रांच बनाता था, पार्टीशन वगैरह, जितना भी फर्नीचर का जो काम होता था वो होता था, तो जाहिर है वो तो बिक गया। अच्छा, ठीक है, तो उसके जो पुराने जो थे बड़े, वो जैसे रिटायर हो गए। अच्छा, हो गए रिटायर, तो जाहिर ये निकल गया, काम देना बंद हो गया, तो जाहिर बाहर ही जाएगा ना, निकल गया वहां से, तो इसको हो गया अटैक। अच्छा, अटैक हो गया, तो जाहिर जब अटैक हो गया तो बीमार पड़ गया घर में, तो फिर बस यही सोचने लगी कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, बेटे का क्या होगा, इसका क्या होगा, यानी अपने जितने भी थे किसी ने जो है वो यानी कि हेल्प नहीं की अपने रिश्तेदार, और उनका मैं जो हूँ शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हेल्प नहीं की, शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। अगर हेल्प करते तो मैं घर पे बैठी हूँ, नहीं किया तो आज मैं जो हूँ ना सही जगह पे हूँ। और खुददारी के साथ, अपने पूरे प्राइड के साथ, अपने फखर के साथ आप आगे बढ़ रही है ना, बहुत हिम्मत की। हाँ, तो मैं आज जो कुछ, और आपकी एक और बात बहुत अच्छी, एक तो ये जुमला आपने जो बोला ये बहुत ही अहम है और बहुत वजन रखता है, मगर इसके अलावा जब मैं आपसे मिली अभी प्रोग्राम से पहले भी और अब भी मिल रही हूँ, तो इनके चेहरे पे इतनी खुशी है माशाल्लाह, और ये इतनी रिसेप्टिव है कि आप इनसे बात करें, या हम अभी भी बात कर रहे हैं या ऑफ द रिकॉर्ड भी जब हमने बात की है, तो इतना अच्छा लगा था मुझे इनसे मिलके, पॉजिटिव वाइब्स आती है ना किसी से, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जिंदगी में इतने मसले हैं या कोई ऐसी तकलीफ है या इससे आप गुजर के आए हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इसे कंटिन्यू कीजिए, इस हंसी को, इस मुस्कुराहट को। अरे इमोशनल थोड़ी होना था इस बात से। नहीं नहीं, अभी जो है ना मैं होती नहीं हूँ, अब नहीं होती हूँ, हिम्मत है, हिम्मत तो है, आगे बढ़ेंगे। अरे वाह वाह, क्या बात है, ऐसी बातें इन्होंने कर दी है कि मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, और थोड़ी देर क्योंकि मैं स्पीचलेस रहने वाली हूँ तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग, दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ रियल वुमेन, दीज आर द रियल वुमेन, और रियल वुमेन हमारे पास आती भी जाएंगी, डिस्कशन हम करते जाएंगे, ऑन बोर्ड लेते जाएंगे, एक ब्रेक है, उसके बाद वी आर कमिंग बैक। Grab intense repair with fiber active. Damage kam kare up to 99%. मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कॉन्ट बिलीव ये इतने डैमेज है। ग्राव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एक्टिव, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। ग्राव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर। मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कॉन्ट बिलीव ये इतने डैमेज है। ग्राव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एक्टिव, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। ग्राव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर।
मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कांट बिलीव ये इतने डैमेज हैं। डव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एसिड, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। डव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर। मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कांट बिलीव ये इतने डैमेज हैं। डव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एसिड, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। डव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर। Dove Intense Repair with Fiber Active. Damage kam kare up to 99%. वेलकम बैक नाजीन, और इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, फिर हम परवीन साहिबा की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? क्या है नसरत आपकी? जी ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे मौका मिल रहा है जी इस मौके पे बात करने का जी। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी सब बहनों को, वालेकुम सलाम, माँ को। और ये दिन जो है, मैं क्या समझता हूँ कि पाकिस्तान में आधे से ज्यादा जैसे कि खवातीन हैं, और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है पाकिस्तान के हर फील्ड में, और कर रही हैं। और जिस तरह होता है ये वर्किंग वुमेन हैं, दे डू डबल डबल ये ड्यूटी करती हैं। जिस तरह हम लोग तो दफ्तरों से आते हैं तो बस फिर गुस्सा निकालते हैं किसी ने किसी के ऊपर, लेकिन ये घर आके भी बच्चों को भी संभालती हैं। और बाद ऐसी भी खवातीन हैं जिनके के मियां खुदा ना खास्ता बीमार हैं या वो हैं, जिस तरीके से वो उनको लुक आफ्टर करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, दैट इज अमेजिंग। और इसी तरह हर फील्ड में, और मैं आज अपनी मिसेज को भी, अपनी माँ को भी, और जितने वो हैं उन सबको सलूट पेश करता हूँ, आपको सलूट पेश करता हूँ। थैंक यू। मेरी कोई बहन नहीं है, एक बहन थी वो अल्लाह ने बहुत जल्दी ले ली और अकेला मुझे छोड़ दिया दुनिया में, लेकिन आप मेरी बहन है, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। और एक बात इस मौके पे, गो कि आप अपनी तारीफ पसंद नहीं करती, लेकिन आज आप मुझे थोड़ा सा अलाउ करेंगी कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि हर रोज दो घंटे का प्रोग्राम, उसकी एक कंसिस्टेंसी होती है, एक वो सारा होता है, और कभी फील नहीं होता कि आपको बाहर से भी कोई, घर में भी कोई आज आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बीमार हो सकता है, कोई इन लॉज में हो सकता है। इस तरीके से आप अपने आप को कंपोज करके, और हर रोज आप ऐसे लग रहा होता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट। आपकी मैं सारी टीम को बड़े ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि इतने अच्छे मेहमानों को ये किस तरह चुनते हैं इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और ये तमाम खवातीन जो आपके पास बैठी है, आई सैल्यूट देम। And I wish them कि they should keep on working with the same spirit. Our prayers are with you. और एक आखिरी बात मैं आपको बताता जाता हूँ, ये अभी थोड़ी सी बात कर रहे थे वायलेंस की भी, के जो आदमी छेड़ते हैं या वो करते हैं, मैंने बहुत सारे मुलजिम और वो पकड़े हैं, लेकिन एक बंदा जब मैं देख लेता हूँ ना किसी औरत को छेड़ते हुए, तो मैं उसका वो हशर करता हूँ कि आंदा शायद उसकी नस्लें भी कभी किसी औरत को फिर ना छेड़े। अच्छा ठीक है खालिद साहब, थैंक यू सो मच। आप जैसे दो चार और लोग अगर हमारे मुआशरे में हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। परवीन साहिबा, आपकी शुरुआत, वैसे तो आप जमाना जान चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ब्रीफली आप बताएं अपने इस काम के बारे में, अपनी सोच के बारे में, जो जर्नलिस्ट के बाद एकदम सोशल वर्कर की जानिब जाकर। देखिए मेरा काम जो है वो खालिदन बुनियादी जरूरतों में से एक जरूरत पे मबनी है, और खाना घर से गरीब बस्तियों में जो इस वक्त बेरोजगारी से, महंगाई से और गुर्बत की वजह से दो वक्त खाना नहीं खा सकते, आज से 12 साल पहले मैंने, जब एक माँ ने अपने बच्चों को भूख की वजह से मार दिया था, वहां से मैंने इनिशिएटिव मेरे जिंदगी में आया था। उससे पहले मैं कॉलम वगैरह लिखती थी, पढ़ना लिखना ही काम था, लेकिन जब ये वाकया हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि गुर्बत जो है वो माँ की मोहब्बत से ऊपर चली गई है, तो कुछ करना चाहिए। कुछ करने में थोड़ा सा था कि दो चार फैमिलीज तक हम जाएं, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि ये काम आगे बढ़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 12 साल में ये काम चल रहा है, और हम 3 रुपए में खाना देते हैं। 3 रुपए में देते हैं, पहले 2 रुपए से शुरुआत की थी, फिर 3 रुपए कर दिया अभी 1 साल से, कि आटा रेंज से बाहर चला गया, दालें बाहर चली गई, लेकिन इसके बावजूद वो वालदैन जिनके बच्चे छोड़ जाते हैं, वो यतीम बेवा और माजूर लोग अभी भी हमारे यहाँ इनलिस्ट हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दे। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें, इस तमाम चीजों में
आपकी अपनी फैमिली की कितनी सपोर्ट रही, इमीडिएट फैमिली की भी, और वो जो खानदान की एक बात होती है अपने बहन भाई या ससुराल वाले या फ्रेंड्स, वो जो अब आपको कहते हैं अरे सारा कुछ, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने जिस तरह रिहाइश भी अपनी तब्दील कर ली, आप किसी और इलाके में चली गई जहाँ आप काम किया करती हैं, तो सबने कहा कि क्या क्या कर रही हो भाई। बहुत सारी ऑपोजिशन आती हैं जब आप कोई काम की शुरुआत करते हैं, ना हमें पता होता कि हम किस सिम्त में जा रहे हैं, लेकिन एक लगन होती है हमारे अंदर ना। औरत को कमजोर ना समझा जाए इसलिए कि जब वो फैसला कर लेती है तो बहुत आगे तक जाती है। ऑपोजिशन होती है, मुखालफतें होती हैं, और ये मुखालफतें मेरे साथ भी हुई, लेकिन खुशकिस्मती से मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया जी। तो इसलिए ये सफर बहुत आसान हो गया। हाँ। और फैमिली बहुत छोटी, दो बेटियां मेरी हैं, एक की शादी हो गई, एक बीबीए कर रही है बहरिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो बच्चियों से तो इतनी वैसे होती नहीं है, बड़ा सुकून होता है घर में जी, जी, जी। तो इसलिए कोई बड़ी ऑपोजिशन नहीं हुई। बहन भाइयों ने शुरू में पसंद नहीं किया था कि कहा तुम इतने फैमिली में ऐसी हो, ये क्या तुम कर रही हो, लेकिन वक्त ने साबित किया कि जो काम मैं कर रही हूँ उस पर आज पूरे खानदान को फखर है कि हमारी बहन ने अच्छा काम किया, और आप इसे बढ़ा भी रही है ना जी। आपने शुरुआत की थी औरंगी टाउन से काले में, खुदा की बस्ती, खुदा की बस्ती से, सही। और अब आप इसको खुदा की बस्ती, हमने गाड़ी ले ली है, गाड़ी से हम ना मुख्तलिफ बस्तियों को कवर करते, मोबाइल सर्विस, मोबाइल सर्विस इस तरह औरंगी में एक बना दिया, वहाँ तीन पिकअप पॉइंट्स बना दिए। सेटअप बनाने में खर्चा बहुत है, हम वसाइल बहुत कम रखते हैं, इस वसाइल में ही अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा बहुत अच्छा लगा दोबारा ये सुन के। हमारे साथ कॉलर है हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज आपका शो है औरतों के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी औरतें किसी से कम नहीं है। इनको इनको देख कर ही माशाल्लाह पता चलता है कि हमारी मुल्क की औरतें कितनी समझो बाहिम्मत है, और वो किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि औरतें अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। जैसे एक औरत अपने घर के निजाम को बेहतर बना सकती है, तो औरत समझो किसी भी मैदान में अगर अगर खड़ी हो जाए तो मेरे ख्याल से कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है कुछ, किसी खास किसी एक से कोई सवाल है तो जल्दी से कर लो। बस यही इनको यही कहना चाहूंगी कि ये जो काम कर रही है अपने शोबे में बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अपने बारे में भी बताना चाहूंगी कि मेरी क्या अचीवमेंट तो नहीं कह सकते, यही कह सकती हूँ कि मेरे घर में एक मेड काम करती थी, तो उनकी बेटी की शादी का कुछ मसला था। अच्छा। उनके पास पैसे नहीं थे, जहेज कथा नहीं हो रहा था। अच्छा। मैंने अपना जेवर बेच के उनकी बेटी का जहेज कथा करके दिया। क्या बात है जी, पहले फोन करती हम तुम्हें बुलाते हैं, तस्वीर तो दिखाते ना तुम्हारी एटलीस्ट। नहीं, तस्वीर की क्या बात है, बस इनको देख कर यही हिम्मत मिलती है कि हमारी औरतें किसी से पीछे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और वैसे हमारे यहाँ ये तो बड़ी एग्जाम्पल है कि खुदा न खास्ता किसी औरत की डिवोर्स हो जाती है या वो विडो हो जाती है, हस्बैंड के साथ छूट जाता है, 10 बच्चे भी हों तो वो अकेली जो भी करेगी उन्हें पालेगी, जो भी करेगी काम करेगी, मेहनत मजदूरी करेगी, दूसरी शादी करे ना करे, लेकिन उसमें इतना गट होता है कि वो अपने बच्चों को लेकर चले। जबकि अगर बीवी का पीछा छूट जाए तो आदमी सोचता है चलो दूसरी शादी कर लेते हैं, सही ना, हंसी इससे है मुझे लग रहा है कुछ बाद, चलो ब्रेक में बता देना। ब्रेक आ रही है और हम वी आर सेलिब्रेटिंग, बल्कि जो एक प्रॉपर लाइन है मैं उसी तरह बोलती हूँ, द सेलिब्रेशन ऑफ रियल वुमेन हमारे साथ ऑन बोर्ड हमारे मॉर्निंग शो में सुबह 9 में ये अभी कंटिन्यूड है, डिस्कशन भी कंटिन्यूड है, कुछ और मेहमान भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वी आर कमिंग बैक। Repair with fiber active. Damage कम करे up to 99%. मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई, I can't believe ये इतने damaged हैं। Dove intense repair with fiber active. पहले ही wash में damage कम करे up to 99%. Dove intense repair for truly damage free beautiful hair. मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई, I can't believe ये इतने damaged हैं। Dove intense repair with fiber active. पहले ही wash में damage कम करे up to 99%. Dove intense repair for truly damage free beautiful hair. मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई, I can't believe ये इतने damaged हैं। Dove intense repair with fiber active. पहले ही wash में damage कम करे up to 99%. Dove intense repair for truly damage free beautiful hair.
मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कांट बिलीव ये इतने डैमेज हैं। ड्राव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एसिड, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। ड्राव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर। ड्राव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एसिड, डैमेज कम करे अप टू 99%। वेलकम बैक नाजरीन, वापसी हमारी हो चुकी है। मैं शमरोज की तरफ आऊंगी, लेकिन पहले एक कॉलर है। सरबत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नुसरत कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड जॉब इज सेलिब्रेटिंग द रियल विमेन अलोंग विद अस। जी मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मैं काफी दिनों से आप बल्कि खुरम भाई का जब प्रोग्राम था ना, तब आपसे बात हुई थी मेरी। अच्छा। बहुत मजा आया था। और आज कॉल मिली है, मैं डेली ट्राई करती हूँ लेकिन मिलती नहीं है लकीली। तो आज लकीली मिल गई है जी, आज मिल गई है, मुझे बहुत खुशी है डेली। और है मसला ये है कि आपने इतना अच्छा एक गैदरिंग की हुई है जिसमें मैं फोन पे वगैरह रह नहीं सकती हूँ। मैं खुद एक वर्कर हूँ और मैं बैंक में जॉब करती हूँ। अच्छा। प्लस मैं हाउस वाइफ भी हूँ और मैं बहुत से काम ऐसे करती हूँ जो मुझे बताना नहीं चाहिए, जिसका अल्लाह ताला उसका जवाब देता है, लेकिन क्योंकि अभी जिक्र करना थोड़ा सा हो जाएगा। जी, जी, जी। मैं इंशाल्लाह एक जैसे जो हेल्पलेस बच्चे हैं उनका एक स्वीट होम टाइप का बनाना चाह रही हूँ। अच्छा। जो मेरा प्लान है, जो मैं यहाँ कराची में सुपर हाईवे पर रहती हूँ। और आप सरबत अपना नंबर हमारी टीम के पास छोड़ सकती हैं, मतलब आने वाले दिनों में हम कभी भी इस पे डिस्कशन रख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैरून ममालिक में हैं, टेलीविजन देखते हैं और वो चाहते हैं कि हम कोई कोलैबोरेशन करें अपने लोगों के साथ, खिदमत की जाए, कुछ सोशल वर्क किया जाए। तो आप अपना नंबर मेरी टीम के पास जरूर छोड़िएगा। लेकिन ये बताइए कि कोई चैलेंज बैंक की जॉब में और फिर घर भी संभालना, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर कि जी खवातीन को ये सबसे बड़ा मसला है, इसको ओवरकम किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये चीज है कि मैंने 19 इयर्स जॉब की है और अभी मेरी 22 इयर्स जॉब अभी थी, तो मैंने बैंक अभी जरा स्टॉप किया है। उसको इसलिए कि मेरा बेबी नहीं था, मुझे 18 साल से बेबी नहीं था। तो मैंने एक जो तलाब दस्तान है ना, जो ये कैंप लगा के बैठे हुए थे, मैं यहाँ जाती थी बहुत। मैं ड्यूरिंग अपनी जॉब, ड्यूरिंग अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं टाइम निकाल के हस्बैंड के साथ यहाँ जाती थी। मैं ड्यूटियों में जाती थी, मैं हर जगह चली जाती हूँ। तो मैं वहां पर गई तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे तो बेबी चाहिए, तो उन्होंने जो है बूढ़ी में से पूछा, तो समझ लें कि लास्ट 2011 में मुझे अनाया मिली न्यूली बॉर्न, और वो समझ लें कि मुझे गिफ्ट मिली। अभी अनाया मेरी 1.5 साल की हो गई है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। और अभी मैंने अनाया के नाम से बहुत लकी बच्ची है, अल्लाह ताला। अनाया का तो मतलब भी अल्लाह का तोहफा है ना यार, अनायत है मुझे तो 18 साल बाद अल्लाह ने अनायत दी है। हाँ, बिल्कुल, अनाया अल्लाह का तोहफा। आप ये देखो कि मेरी जिंदगी बदल गई है, मैंने बहुत पैसा कमाया मैं खुद। और आप समझ सकते हो, यानी इस पॉइंट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ जब खवातीन एक्सपेक्ट कर रही होती है तो इंडोर्स घर वाले, हस्बैंड या जो कोई भी है, वो ये उम्मीद लगाते हैं कि जी बेटा होना चाहिए, मगर शायद आपसे कोई पूछे तो आप कहें कि औलाद होनी चाहिए। नहीं, औलाद औलाद की तरफ। वैसे जिसकी बेटी नहीं है उसे अंदाजा नहीं होगा, बट वंस यू हैव अ डॉटर आपको पता चल जाता है कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। यू वांट टू हैव अ डॉटर होती हैं। ये अनाया जो इसलिए मैंने ली है, और मैंने उनसे कहा तो उन्होंने ये कहा था, कह रहे वो गरीब लोग थे, उन्होंने कहा कि जो भी है ये आपका है, इनके बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। और लेकिन मेरी अनाया बहुत वीक है, मेरी अनाया बहुत आपको मुबारक हो, आज का दिन भी और अपनी अनाया भी। तो मेरी अनाया जो है इसको मैंने इसके नाम का स्वीट होम बनाना है। अभी जैसे आवास टाउन में जो वाकया हुआ है ना मित्र, उसमें मैं विजिट करूंगी और उसमें जो यतीम बच्चे हैं ये भी मैं, मुझे उनसे कुछ बच्चे मिल जाए तो मैं इसी से स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैं अपने घर से स्टार्ट। ठीक है सरबत, सॉरी इंटरप्शन होती है, मगर एक और कॉलर भी है, आप अपना नंबर मेरी टीम के पास छोड़िए, इंशाल्लाह हम इससे फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुल्ताना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, आज तो आप बहुत अच्छा खवातीन के हवाले से प्रोग्राम कर रही हैं और आपकी पूरी टीम को, आपके मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम मैं कहती हूँ। मगर जालिम समाज लोड शेडिंग ने हमें 15 मिनट का प्रोग्राम दिखाया, तो उसके साथ हम आगे प्रोग्राम नहीं देख पा रहे। प्रोग्राम नहीं देख पा रहे, नई लाइट नहीं है, अच्छा, लाइट समाज। ओ, अच्छा। और अफसोस होता है, इतने अच्छे प्रोग्राम हमारे निकल जाते हैं,
चाहिए। सुल्ताना साहब क्योंकि हमें एक ब्रेक लेना है, तो आप जल्दी से मुझे कोई मैसेज दे दें खवातीन के लिए, या यहाँ पर जो हमारी मेहमान मौजूद है उनसे कोई सवाल करना चाहती हैं। हाँ, ये जो खातून चिकन ड्रॉप्स करती हैं इनका मुझे बड़ा अच्छा लगा, और बाकी का मैं सुन नहीं पाई, तो अल्लाह ताला ने सबको अपने मान में रखे और हिम्मत दे, और सारी ऐसी खवातीन को हमको सबको हिम्मत दे कि हम इस तरह करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Does celebration of real women is continued. Ek break aa gaya hai, break ke baad we are coming back. Job intense repair with fiber active. Damage kam kare up to 99%. Mere baalon ki to hamesha tareef hui hai. I can't believe ye itne damaged hain. Job intense repair with fiber active. Pehle hi wash mein damage kam kare up to 99%. Job intense repair. For truly damage free, beautiful hair. मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कॉन्ट बिलीव ये इतने डैमेज हैं। डव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एक्टिव, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। डव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर। मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कॉन्ट बिलीव ये इतने डैमेज हैं। डव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एक्टिव, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। डव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर। मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कॉन्ट बिलीव ये इतने डैमेज हैं। डव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एक्टिव, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। डव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर। डव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एक्टिव, डैमेज कम करे अप टू 99%। वेलकम बैक नाजरीन, और अभी हम लोग बातें कर रहे थे कुछ जूतों कपड़ों की, और उस हवाले से नहीं बोलना, ये समझ रही है। देखो मैं अगर आज इतनी तैयार लग रही हूँ, या मैंने ये सैंडल्स पहने या ये कपड़े पहने, तो मैं ऐसे नहीं होती। मैं दो घंटे बाद जब घर जाती हूँ तो मेरा जूड़ा यहाँ बना होता है, और मैंने कौन सी चप्पल पहनी हो, नहीं पहनी हो, आपको ऐसे ही देखा। हाँ, तो वो टीवी पे देखा है ना, टीवी पे देखा है, तो ये मैं इससे भी बुरी हालत होती है मेरी, टेंशन ना लो, सीरियसली बच्चों में कहाँ इंसान को कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और काम करने वाला बस ऐसा ही होता है। बोल तो दिया, सब कुछ तो बोल दिया आपने। हाँ लेकिन लिया नहीं है हमने कैमरे में, देखो वो सिर्फ बताया है, और ये जेन्युइनली हकीकत है जी, हम सब ऐसे ही हैं, कोई हमें शो के बाद देखे और हमारी प्रोड्यूसर को देखे कोई तो वो बहुत बिजनेस में मैंने आपको लगेंगी, लेकिन इंसान के जहन में जो ख्याल आता होगा कि शायद मीडिया की कोई खातून है, या प्रोड्यूसर के अलावा भी जो हमारे यहाँ कराची सेंटर में खवातीन है, आपने देखा होगा, तो सब आपको इस तरह लगेगा, हमें ऐसा महसूस होता है इस शो के बाद कि हम फैमिली में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, सब लॉन के जोड़े पहन के, चप्पल पहनी है, शूज पहने, क्या पहना है, तो वो सब हमारा बाकी सही बता रही है। खैर, हमारी एक और मेहमान इस वक्त अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप सब उनको जानते हैं, आर्टिस्ट हैं, आलिया फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आलिया? ठीक ठाक है। और हमने सबकी स्टोरी शामिल की है, आपकी जिंदगी की कोई स्टोरी है, कोई अचीवमेंट के हवाले से, किसी चैलेंज के हवाले से, तो वो आप बताइए। मुझे पता है आप भी हस्बैंड की तारीफ करेंगी और अपनी अचीवमेंट में आप उनको हिस्सेदार कहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें अक्सर जगहों पे आपको खुद फाइट करना पड़ता है, राइट? अपना काम बनवाने के लिए, अपने चैलेंज के लिए आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ता है, जो आप पे अपनी गुजर रही होती है, इर्द गिर्द वाले तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, मगर कुछ चीजें बिल्कुल आप पे गुजर रही होती है, कोई चीज जो आप शेयर करना चाहें आज के दिन के हवाले। नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा हिडन आया नहीं मेरी जिंदगी में, लेकिन ये है काम के हवाले से जरूर कॉम्पिटिशन है इस वक्त आर्ट में, आर्ट की फील्ड में। जिस तरह हम लोग काम आज से 10 साल पहले जो सिनेरियो था उससे बहुत चेंज हो चुका है इस वक्त, है ना, अवेयरनेस भी आई है लोगों में बहुत आर्ट से रिलेटेड हमारे मुआशरे में। पहले वो बात थी नहीं, आर्टिस्ट बन के आपने क्या करना है, कौन पूछता है आर्टिस्ट को, पहले तो ये होता था। अब आप फाइनेंशियली भी इसको लेके अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत है। अच्छा, और ये अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन है। मगर आपको कहाँ कहाँ दुख मिला कॉम्पिटिशन से? दुख मिला या चैलेंज हुआ कोई भी? चैलेंज मैं ये मैंने बताया ना, मुझे अपने काम के हवाले से ही होता है, मतलब उसमें आइडियाज नए लेकर आना, उसको चेंज करना अपने काम को। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत इज्जत है, बहुत नाम है माशाल्लाह से, और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और हमने अवेल भी किए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी है हमारा इरादा कि हम करेंगे इंशाल्लाह। शमरोज
चमरोज ने मुझसे कहा है मुझसे सारे मुश्किल सवाल पूछे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कौन सा वो सवाल करूँ मैं जो ज्यादा मुश्किल हो। नहीं, चमरोज हमें अपने बारे में बतानी थी। चमरोज, आप एक साल आपको काम करते हुए हुआ है, उससे पहले क्या था घर में, क्या मुश्किलात थी, क्या मसले थे, आप कुछ बता भी रही थी, मैं चाहती हूँ आप नाज़रीन को बताइए। देखियो मां घर में तो बिल्कुल कुछ भी न कंदी हुई, हमें पंज बार जो मुझा सो तालीम का महरूम रहा। अच्छा, पांच बच्चे हुए, तालीम से महरूम रहे, आप कुछ नहीं करती थी, कुछ न करा पे गरम दस जो कमकार वो कया पई शुक्र मुख्य उनकी आया एंग्रो यूएस वार ने जी जो मुख्य ट्रेनिंग दिनों हुनर दिनों खुद मुख्तियारी दिनों जो बाहर वही करे गोठन में डॉक्टरी जो जानवर जो कम कया पई वैक्सीन कया पई। अच्छा, वैक्सीनेशन भी करती है जी जानवरों की, इनको ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा? हाँ, बाकायदा ड्रेसिंग भी कंदी आया। हाँ, माशाल्लाह सां सतन अठन हजार तोड़ी मां कमाया पई पांजा बार स्कूल मोकलिया पई। वडी मुझी इहा खुशी आहे। मुड़स के मसलो तो न थींदो आ? न न, कुछ भी न थींदो आ, न न, बस हली वेंदी आहे। हस्बैंड को कोई मसला नहीं है? न न, उन्हनि जो मसलो कोई भी न आहे। सस के? उन्हनि जी पूरी परमिशन, सस जो भी न आहे कोई न मसलो? न न न, बस जो भी कोई मसालो ना है। अच्छा, बस अब काम करते हो और जी जी। दिल लग गया है काम में? अच्छा लगता है कि जी मैं काम कर रही हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं। जी जी। बच्चे जा रहे हैं स्कूल? जा, हाँ बिल्कुल, पंज ही बार स्कूल वेंदा आहिनि। अच्छा जी, ठीक है। तो अब दिल चाहता है कि इनको आगे तक पढ़ाना है, मैंने काम करना है जी। और लोग आपको क्या बोलते हैं, डॉक्टर रानी साहिबा? मुझे डॉक्टर शमरोज। डॉक्टर शमरोज, डॉक्टर शमरोज। अच्छा डॉक्टर शमरोज, आप लोगों को और कुछ बताना चाहती हैं कि वो औरतें जो गोठ में हैं, गांव में हैं मुख्तलिफ, वो क्या करें कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं? आपको कुछ ऐसा लगता हो कि जी क्या करना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या कुछ भी जो आपके जहन में हो कुछ? पीड़ी तो वो असां जो भेनर न्याणियूं सिंध जूं जेको आहे सो पाण ते पूरो भरवसो कनि ऐं हिन जो सलातुनि जो सही इस्तेमालु कनि, महिनत कनि, मंज़िल सही। अच्छा जी, अमीना सैयद साहिबा, अभी हमें ब्रेक लेना है या मैं अमीना सैयद साहिबा की तरफ हम आते हैं? अमीना साहिबा, खवातीन के हवाले से, जैसे ये एक किताब 8 मार्च के हवाले से ही है और भी इस तरह की किताबें हमने देखी हैं, क्या कुछ और काविशें या कोशिशें हो रही हैं कि इनकी वो तमाम लीडर्स या वो तमाम अनसंग हीरोज भी हमारे यहाँ बहुत हैं सोसाइटी में, तो अनसंग हीरोइंस जो हैं उनके बारे में कहीं कुछ डॉक्यूमेंट किया जाए, तो प्रिजर्व किया जाए लोगों की इंस्पिरेशनल स्टडी के लिए? जी जी, मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। और माशाल्लाह जो मेरी बहनें बैठी हैं, इनकी कहानियां सुन के तो मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, और इनके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ऐसे और भी बहुत होंगी जो ये खिदमात कर रही हैं और इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, तो इन सब की कहानियां हमें जमा करके छापनी चाहिए। और बल्कि आपने अनसंग हीरोज का कहा, मैं तो कहती हूँ हमारे जो संग हीरोज हैं उन पे भी कम किताबें हैं, तो उन पे भी हम आजकल हमारी ये काविश है कि उनकी कहानियां जमा करें और लिखें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए रोल मॉडल बहुत जरूरी है, बच्चों और बच्चियों के लिए। तो यकीनन ऐसी किताबें होनी चाहिए और इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे। यंग लड़कियों पे फोकस करने की जरूरत है, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन इस वक्त एक और ब्रेक है। जस्ट सेलिब्रेशन ऑफ रियल ब्यूटी इज स्टिल कंटिन्यूड, एक ब्रेक, उसके बाद वी आर कमिंग बैक। जॉब इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एक्टिव, डैमेज कम करे अप टू 99%। मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कांट बिलीव ये इतने डैमेज हैं। डव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एक्टिव, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। डव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर। मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कांट बिलीव ये इतने डैमेज हैं। डव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एक्टिव, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। डव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर। मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई, आई कांट बिलीव ये इतने डैमेज हैं। डव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एक्टिव, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। डव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर।
मेरे बालों की तो हमेशा तारीफ हुई है, आई कॉन्ट बिलीव ये इतने डैमेज है। डव इंटेंस रिपेयर विद फाइबर एसिड, पहले ही वॉश में डैमेज कम करे अप टू 99%। डव इंटेंस रिपेयर फॉर ट्रूली डैमेज फ्री ब्यूटीफुल हेयर। बात की मुतहमल नहीं हो सकती। जमहूरी अमल का तसलसल मुल्की सलामती और बका शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात से वाबस्ता है। इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट के एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हम सियासत को इबादत समझते हैं और अवाम की फलाह बहबूद हमारा मिशन है। वजीर आजम ने कहा कि पार्लियामेंट का अपनी आईनी मुद्दत पूरी करना एक गैर मामूली कामयाबी है और इकतदार की पुरअम और जमहूरी अंदाज में मुंतकली एक तारीखी मौका है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 1973 के आइन की बहाली और तरामीम की मुतफ़क़ा मंजूरी मौजूदा पार्लियामेंट के अहम कारनामे हैं। वजीर आजम ने कहा कि जमहूरी निज़ाम के तसलसल में अपोजिशन जमातों का किरदार बहुत मुस्बत रहा। सदर आसिफ अली जरदारी 11 मार्च को अपने दौरा ईरान के मौके पर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा के तर्जुमान मौजम अहमद खान ने बताया कि गैस पाइपलाइन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में मुतअद्दिद मुल्कों के सरबराहान मुमलकत शिरकत करेंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर हमारा मौकिफ पहले दिन से बड़ा वाज़ेह है कि ये मंसूबा हमारे कौमी मफाद में है। वजीर खजाना सलीम मानवीवाला ने इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम से मुलाकात की। बातचीत में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अखराजात का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि इंतखाबात के लिए 6 अरब रुपए दरकार हैं, जिनमें से 2 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। वजीर खजाना ने बाकी 4 अरब रुपए जल्द फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने 5 साल कामयाबी से मुकम्मल किए हैं, मुल्क की तरक्की के लिए जमहूरियत के तसलसल को जारी रहना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर साथियों से बातचीत करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि जमहूरी हुकूमत की पॉलिसी की बदौलत दहशतगर्दी में कमी हुई, दहशतगर्द कमजोर हो गए और अब वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अमरीकी सेनेट ने जॉन ब्रेनन की बतौर CIA नामजदगी की मंजूरी दे दी है। सेनेट के 63 अरकान ने जॉन ब्रेनन की नामजदगी के हक में, जबकि 34 ने मुखालफत में वोट कास्ट किया। जॉन ब्रेनन इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर समझे जाते हैं। अमरीकी सेनेट इससे पहले जॉन कैरी की बतौर वजीर खारजा और चक हेगल की वजीर दिफा की हैसियत से मंजूरी दे चुकी है। अमरीका की मरकजी कमान के कमांडर जनरल जेम्स मैटिस ने भी कहा है कि पाकिस्तान अहम इलाकाई शराकत दार मुल्क है और दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ठोस बुनियाद पर ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए अमरीका की तरफ से पाकिस्तान की मदद जारी रखना जरूरी है। उन्होंने वाशिंगटन में मुसल्ला अफवाज से मुतालिक सेनेट की कमेटी में कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2012 के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बतदरीज बेहतर हुए हैं। आखिर में कुछ बात करेंगे हॉकी की, जहां 22वां सुल्तान अजलान से हॉकी टूर्नामेंट कल से मलेशिया के शहर ईपो में शुरू हो रहा है। इवेंट में पाकिस्तान समेत 6 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनमें दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोरिया और मलेशिया शामिल हैं। इवेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम अपना दूसरा मैच 10 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तीसरा मैच 12 मार्च को भारत के खिलाफ, चौथा मैच मलेशिया और 5वां मैच कोरिया के खिलाफ खेलेगी। टूर्नामेंट का फाइनल 17 मार्च को खेला जाएगा। बुलेटिन में अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। Thank you.